भारत एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करते हुए दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग WHL की मेजबानी का गवाह बनने जा रहा है। इस लीग में मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के प्रमुख खिलाड़ी शामिल होंगे। इस लीग को पावना स्पोर्ट्स वेंचर द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जो दक्षिण एशियाई हैंडबॉल फेडरेशन एशियन हैंडबॉल फेडरेशन के तत्वावधान में आधिकारिक लाइसेंस धारी है और जिसे हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का समर्थन प्राप्त है। उद्घाटन संस्करण में हिस्सा लेने के लिए तैयार 6 टीमों के साथ यह लीग भारत में महिला हैंडबॉल के लिए गेम चेंजर बनगी, जो न केवल खिलाड़ियों को अपने कौशल दिखाने के लिए एक परिवर्तनकारी मंच प्रदान करेगी बल्कि एक ऐसा मंच भी बनाएगी जो भविष्य को बदलने में सक्षम होगा। From 6 teams, there will be 18 players in each team, 18 female players, 10 Indian, 6 Asian and 2 European players will be there. That's the mandate we will follow. This whole league will be played under the span of 18 days with 2 breaks and the format would include 30 double round robin. So that's how the league shall follow. प्रियाला करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक अप टाइम एंड कमिंग टू दिस इवेंट। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो जानते हैं पावना के बारे में, हमारे सफर में हमारे साथ रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं ये उनके लिए है। द पावना वॉज फाउंडेड बाय माई फादर इन लॉ लेट मिस्टर श्री पवन जैन जी और मेरी मदर इन लॉ मिसेस आशा जैन जी। इन दोनों ने हमें सिखाया है कि जो भी आप करते हैं वो बिल्कुल मेहनत, लगन और शिद्दत से करो। उन्हीं की ब्लेसिंग्स के साथ मैं पावना स्पोर्ट्स की तरफ से आपके सामने एक नया वेंचर लेके आई हूं, दैट इज हैंडबॉल, वुमेन हैंडबॉल लीग। और सवाल ये कि गेम वही जो है आगे बढ़ता है जिस गेम में दम, आप जितनी भी लीग है किसी किसी ग्लैमर की वजह से बढ़ा है। और जयपुर की आप लीग उठा के देख लीजिए, ग्लैमर का कोई ग्लैमरस व्यक्ति नहीं था, कोई हीरो नहीं था, कोई हीरोइन नहीं थी, प्लेयर हीरो थे, उन्होंने खेला और करोड़ों लोगों ने उसको देखा। उसके व्यूअर्स आप चाहेंगे तो मैं जियो सिनेमा और जगह से उसके व्यूअर यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हैं। इस गेम में जितना पोटेंशियल है कि आप अगर देखोगे तो जितने खेल है, एक घंटे का खेल होता है, एक घंटे में जैसे मैंने बताया 30 से 35 गोल होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि निश्चित ही 2-3 साल के अंदर ये गेम अपने आप में इतना पॉपुलर हो जाएगा कि सारे लीगों को टॉप कर जाएगा व्यूअर्स में।